तो आज अपन पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे आज अपन? वर्णमाला। व्याकरण का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? वर्णमाला। तो आपने पहले भी पढ़ी है, क्लास फर्स्ट में भी पढ़ी होगी। अब अपन आगे इसका अध्ययन करते हैं। तो वर्णमाला क्या होती है? जैसे एक माला होती है ना घर में, आप सभी देखते हो, जिसमें अलग अलग मन के मतलब लगे हुए होते हैं, जिसमें घर के बड़े बुजुर्ग माला फेरते हैं, जैसे दादी सा है या नानी सा है, कोई भी, आप सब देखते हो ना, जिस प्रकार से एक धागे के अंदर सारे के सारे मन के पिरोए हुए होते हैं ना, उसी प्रकार जैसे अपनी भाषा है ना, उसके अक्षर सब एक ही तरह से, जैसे एक ही जगह पे तालिका पे लिखे हुए होते हैं या माला की तरह होते हैं, उसको अपन वर्णों की माला कहते हैं। मनकों की माला की तरह ही अपनी क्या होती है? वर्णों की माला होती है। तो आगे देखो, किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। यानी कि कोई भी भाषा, किसी भी भाषा, जैसे अपन हिंदी भाषा ले सकते हैं, इंग्लिश भाषा ले सकते हैं, पंजाबी भाषा ले सकते हैं, सभी भाषा के अपने अपने फिक्स वर्ण होते हैं, उन्हीं वर्णों से मिलकर के भाषा बनती है। पता है आपको? तो किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। आगे देखते हैं, देखो हिंदी भाषा की वर्णमाला दो भागों में विभाजित है। अपन अभी हिंदी की क्लास है अपनी अभी, तो अपन हिंदी की बात करते हैं। वैसे इधर इंग्लिश की क्लास होगी तो इंग्लिश की बातचीत होगी। तो वैसे ही अपनी हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है तो वो दो भागों में बंटी हुई है। अब आपको एक और बता दूं, अपनी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी आपको पता है? लिपि यानी लेखन कार्य की जो कला है, तो अपने हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। तो हिंदी भाषा की वर्णमाला है जो दो भागों में विभाजित है, स्वर और व्यंजन। यानी कि एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो अपनी हिंदी भाषा की वर्णमाला दो भागों में विभाजित है, दो भागों में बंटी हुई है। एक तो है स्वर और दूसरी है व्यंजन। स्वर, वर्णमाला के दो भाग हो गए स्वर और व्यंजन। तो अपन देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि परिभाषा क्या है इसकी? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, यानी कि वो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, सिर्फ खुद की ही सहायता लेते हैं, वो किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। वो अपन देखते हैं, देखो अ आ ई ई उ री ए आई ओ औ। ये क्या है? 11 अपने स्वर है। इनको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो अ आ ई, यानी कि छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ री ए आई ओ औ। ये क्या है अपने 11 स्वर है। अभी आपको स्वर अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। पार्ट वर्णमाला का दूसरा भाग पढ़ते हैं, व्यंजन पहले अपन ने पढ़ लिए, स्वर। तो अब अपन देखते हैं स्वर की परिभाषा। जो वर्ण स्वर अ की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि वर्णमाला के वो वर्ण जो स्वतंत्र नहीं बोले जाते हैं, किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? व्यंजन। तो स्वर तो आपको समझ में आ गए, जो स्वर क्या होते हैं? जो किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं, और व्यंजन होते हैं वो सहायता लेते हैं। तो सहायता किसकी लेते हैं? वे स्वरों की सहायता लेते हैं। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें अपन व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 35 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से हैं अभी अपन देखते हैं। देखो क ख ग ग ड छ छ ज ज य ट ठ ड ड ण त थ द द न प फ ब ब म
य र ल व श श श ह और उसके बाद में देखो दो नीचे बिंदी वाले ड और ड, इसको भी अपन उदाहरणों की सहायता से आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो 33 तो ये हो गए और दो व्यंजन अपने ये हो गए ड और ड। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं 35। और जो स्वतंत्र बोले जाते हैं हिंदी की वर्णमाला में, जो वर्ण स्वतंत्र बोले जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वर, और जो किसी की सहायता से, यानी किसकी सहायता से, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें अपन व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन कितने हो गए 35। अब आपको ये दोनों चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई है, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं अच्छी तरह से पढ़ लिए, इनकी परिभाषा भी पढ़ ली, इनकी संख्याएं कितनी होती है वो भी पढ़ ली, आप सभी को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया है। तो अब अपन इसके प्रश्नों पर देखते हैं। पहला प्रश्न है वर्ण, वर्ण के भेद, यानी कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, आई समझ में? वो दो होते हैं, चार होते हैं, तीन होते हैं, वो आपको पता है, मैंने सबसे पहले यही बताया था। उसके बाद में देखो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था स्वर, स्वर की परिभाषा, तो आपको पता ही है कि स्वर कितने होते हैं, वो आपको इस खाली जगह में लिखना है। उसके बाद में वर्णमाला किसे कहते हैं, अपन ने नहीं पढ़ा था मानकों की माला, उसकी तरह जो परिभाषा बनाई थी उसी सभी वर्णों के सहयोग से क्या बनती है, तो वो आप अच्छी तरह से याद करके बुक से फिर आप इसकी परिभाषा लिखोगे। उसके बाद में चौथा देखो हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, आज अपन ने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है हिंदी की, तो अपने को टोटल लिखने हैं, जैसे स्वर और वर्ण पढ़े थे ना, तो देखो हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसमें लिखना सिर्फ प्रकार ही लिखना, आपको पूरे वर्ण नहीं लिखने, इसमें दो प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो हिंदी में वर्णों के प्रकार लिखने हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके दोनों के नाम भी लिख सकते हो आप। उसके बाद में अपना है पांचवा प्रश्न, पांचवा है व्यंजन कितने होते हैं लिखिए। अब व्यंजन अपन ने पहले परिभाषा स्वर की पढ़ी थी, उसके बाद में व्यंजन पढ़े थे, तो बहुत ज्यादा संख्या किसकी थी, व्यंजनों की थी, तो व्यंजन कितने थे और उनको पूरे को लिखना है आपको, अच्छी तरह से जमा जमा के लिखना और याद करना है, ठीक है। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के भेद कितने होते हैं, और जितने भेद होते हैं उन दोनों की परिभाषा भी अब आपको अच्छी तरह से याद है, तो आप आसानी से ये प्रश्नोत्तर कर सकते हो। धन्यवाद।